हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस इस सिलिकॉन कैप के साथ। मैंने सोचा कि ना अपने हेयर हाईलाइट किए जाएं और इसीलिए मैंने ये सिलिकॉन कैप बाय किया। पर प्रॉब्लम ये आई है कि अगर तो हमारे कर्ली हेयर हैं या ज़रा से भी ड्राई हेयर हैं तो फिर इसमें से पुल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो अगर आपके सिल्की स्ट्रेट हेयर हैं फिर तो ये कैप हाइलाइट्स करना आपके लिए बहुत इजी है और अच्छा भी है। पर अगर आपके कर्ली हेयर हैं तो आपको ये बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो ये सूट नहीं किया। मैंने इसमें पहले स्मॉल होल किए, फिर बिगर होल किए, पर हेयर पुल करना बहुत डिफ़िकल्ट है और पेनफुल भी बहुत होता है। सो इसलिए मैंने फॉयल यूज़ किए हैं, और फॉयल पर अपने हेयर रखकर और उसके ऊपर हम ब्लॉन्डर एंड डेवलपर का जो मिक्सचर होता है उसकी एप्लीकेशन करेंगे। इसके लिए मैंने यूज़ किया है वेला ब्लॉन्डर और डेवलपर है 30 वॉल्यूम। इन दोनों को हम इक्वल रेशियो में एक बोल में मिक्स कर लेंगे ब्रश की हेल्प से, और फिर इसका हम थिक पेस्ट बनाएंगे और फिर हम हेयर पर एप्लीकेशन करेंगे। और इसी तरह से इस एप्लीकेशन के बाद हम शॉवर कैप अप्लाई कर लेंगे हेड पर, और हमारे सर के गर्मी से ही अच्छे से हाईलाइट हो जाएंगे हेयर। और मिनिमम हमें 30 मिनट्स के लिए तो रखना ही पड़ेगा इस मिक्सचर को अपने बालों में, ताकि अच्छे से रिएक्शन हो जाए। ये देखिए, मैंने इस तरह से फॉयल अप्लाई करके और उसके ऊपर से शॉवर कैप अप्लाई की है, ताकि ये बंद रहने की वजह से इनमें हीट जनरेट हो और सर की हीट से ही ये रिएक्शन हो जाएगा और इस तरह से हेयर हाईलाइट हो जाएंगे इजीली। मैं काफ़ी देर से वेला ब्लॉन्डर यूज़ कर रही हूँ, इसके साथ येलो पिगमेंट नहीं आता और इसी तरह से हेयर लॉन्ग स्टे करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।